सलाम आदाब, मैं हूं उमर रजा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अररिया लाइव। अररिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम अररिया रेलवे स्टेशन के मोड़ पे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो अभी कुछ क्षण पहले अररिया रेलवे स्टेशन वाली सड़क का शिलान्यास हुआ है। यहाँ पर अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह और अररिया के जीप अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने शिलान्यास किए हैं। अभी सभी लोग रेलवे स्टेशन गए, वहाँ पे सभा को संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रोग्राम का समापन होगा। तो आइए, अररिया के जीप अध्यक्ष आफ्ताब अजीम ने क्या कुछ कहे स्टेशन रोड का शिलान्यास तक। काफ़ी दिनों के बाद ये रोड का आज इनॉग्रेशन हुआ है, कई दशकों के बाद इस सड़क का शिलान्यास हुआ है। लोग पहले बहुत परेशानी से आते थे जाते थे, और यहाँ के जो अररिया के युवा नेता, अररिया के नेता सब अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी किए थे और बैलगाड़ी भी प्रोटेस्ट भी किए थे। उन लोगों से भी बात करेंगे, आज ये सड़क का शिलान्यास है, कितना खुशी है। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए और सभी जितनी भी पंचायत हैं, 200 या 250 पंचायत होंगे, जिन लोगों का इस रोड से आना जाना होता था उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई, बहुत राहत मिला कि ये रोड बनेगा। तो हम सबको बहुत खुशी है। रहा बात हम लोग के संघर्ष का, तो हम लोग ने इस रोड के लिए बहुत संघर्ष किया। हम लोग धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल किए, बैलगाड़ी प्रोटेस्ट हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी भाई सब मिल के प्रोटेस्ट किए, और उसका परिणाम आज हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि आज हम लोग का सपना पूरा होने जा रहा है। सभी कामों के लिए एक सरकारी प्रक्रिया है, निश्चित रूप से जिला परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें और पुलिया ऐसे जगह पर बनाई है जहां काफ़ी दिनों से विकास बाधित था, लेकिन उक्त सड़क जो निर्माण अभी उन्नयन होना है, इसके लिए न हमारे पास फंड था न विभागीय इस तरह का निर्देश था, जबकि लगातार हम लोग प्रयासरत रहे। PWD के लिए भी हमने हाउस से पारित करके भेजा NOC, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया। MP साहब का भी लगातार सुझाव मिलता रहा कि इसको आप करें, तो जब हमें साधन मिला और हमारे माननीय सदस्यों के सहयोग से, MP साहब के मार्गदर्शन से, हम लोगों ने इसका निर्णय लिया और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये सुंदर रोड होगा। और जो पीड़ा और कठिनाइयों को लोगों ने झेला, इसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। बहुत पहले ये कर चुके होते, दुर्भाग्य था न मेरे पास साधन था न विभाग का वो निर्देश था। जिनके पास साधन था, जो स्टेट में लड़के PWD में कन्वर्ट करा सकते थे, ये उनकी जिम्मेदारी थी। मेरा तो एक सीमित साधन है और मेरे उतने साधन भी नहीं थे कि मैं करा देता, लेकिन जब हमने अपनी आवाज़ उठाई, हमने विभाग से पत्राचार किया, प्रशासन की तरफ से सूचना गई, तो पंचायती राज ने इस तरह के फंड दिए और इस तरह का निर्देश दिया, जिसकी वजह से ये सड़कों का निर्माण। कितना की लागत से और कहाँ से कहाँ तक बनेगी? 4 करोड़ 62 या कुछ लाख है, लेकिन इसका जो एकराती राशि है, जो इकरारनामा है, वो 3 करोड़ 91 लाख का। और ये सड़क आपको जो मुख्य सड़क से रेलवे गुमटी तक बनेगी, लेकिन रेलवे और मुख्य सड़क से चांदनी चौक, इसके लिए भी हम अपने हाउस से डिमांड करेंगे विभाग से, ताकि इसका भी राशि उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से उसको भी आगे हम लोग करवाएंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, रोड बना है और खुश तो बहुत हूँ, लेकिन इस बात का अफसोस ज़रूर है कि जो फंड नेताओं को लेके आना चाहिए था, वो फंड कहीं से लाया नहीं गया है। जो जिला परिषद का फंड था, जो ग्रामीण विकास के लिए था, गाँव के विकास में जो फंड जाना चाहिए था, उस फंड को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इस पर हम लोगों ने सहयोग किया है जिला पार्षदों ने, लेकिन यहाँ के MP और MLA इसके लिए कोई एडिशनल फंड नहीं ले आए, तो ये मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। ग्रामीणों का पैसा काट के ये रोड बनाया गया है, ये रोड बनाना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पे ग्रामीण लोग ही आते हैं, इसलिए हम लोगों ने पूरा मेहनत करके, प्रेशर बना के, एक समर्थन दे के ये रोड बनाया है। लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, मुझे अफसोस इस बात का ज़रूर रहेगा, यहाँ के नेता MLA MP इस रोड के लिए कोई एडिशनल फंड नहीं लाया गया, जिसके वजह से ग्रामीणों का हक मारकर ये रोड बनाने को हम लोग मजबूर हुए हैं। सांसद साहब दिखे, बिल्कुल दिखे, और उन्होंने कहा कि हमने जिला परिषद चेयरमैन को ऐसे बोला वैसे बोला, तो मेरा ये कहना है, हम लोग जो यहाँ हफ्तों रोड पे सोए हुए थे रात दिन करके इस गंदगी में, और बैलगाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो क्या ये जनता, जो आम जनता, जो हमारे साथी हैं, उनके प्रेशर पे या उनके भावनाओं का आदर करते हुए ये रोड बनाया गया है, या अररिया MP के कहने पर रोड बनाया गया है?
इस तरह क्रेडिट लेना कहीं से ठीक नहीं है। तो नहीं नहीं है, जब रोड बन रहा है, लोग खुश हैं, लोग खुशी में फोटो खिंचवा रहे हैं, तो इसको हम क्रेडिट का खेल नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि आप अति उत्साहित हैं तो फोटो खिंचवा रहे हैं कि एक सदियों से जो एक संघर्ष की कहानी है, और उस कहानी को देखने के बाद उनको लग रहा है कि रोड बन रहा है तो वो खुश हैं, तो उन्हें खुश होना चाहिए। ये सड़क रेलवे स्टेशन से मुख्य चांदनी चौक चौराहा ये सड़क जाती है। अररिया का यह बहुत ही चीर प्रचित मांग वर्षों से है। सड़क टूटी फूटी हुई थी, आज वह सड़क का शुभारंभ हुआ है और जिला परिषद का यह सड़क है। हम यहाँ के चेयरमैन पप्पू अजीम साहब को एवं उनके पूरे टीम मैं बधाई देता हूँ, और आपने अच्छा काम किया। काफ़ी जर्जर स्थिति थी सड़कों का, अब यह सड़क बन के तैयार हो जाएगा और जनहित के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। कितना की लागत से सर बन रहा है? लगभग यह 4 करोड़ के लागत से यह सड़कें बनेगी, और यह जिला परिषद का रोड है और सभी जिला परिषद सदस्य अपना फंड जो है हमारे चेयरमैन साहब का अथक प्रयास से यह सड़क का शुभारंभ किया गया है। कल परसों से यह सड़क बनना शुरू होगा, बहुत जल्दी यह सड़क बन के तैयार होगा। और लोगों को काफ़ी आने जाने में कठिनाइयां होती थी, लोग कई लोगों का हाथ पैर इसमें टूटा है, इसलिए आज अररिया जिला का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था जो बरसों से मांग पूरा था। आज का दिन शुभ है, और आज का दिन बारिश भी हो रही है, किसान के लिए भी शुभ दिन है।